दिन के 5 से मिलता है इसलिए वो पानी पटा रहे हैं। ठीक है, सूरज गुरु का नया घर बन रहा है गाइस, आप लोग देखो, आप लोग समझ सकते हो काम कितना बड़ा टोल है। लाने साला गोड़ी मिल जाए गाइस। सरोज जी फोन ले लिए है, अब जा रहे हैं हम लोग पार्टी करने के लिए। भूख लगा है, खाने आए हैं। तो कहाँ आए हैं, बहुत अच्छा जगह है, सीतामढ़ी में भोजन थाली उपलब्ध है। देखिए काठमांडू मोमो हाउस, ये नेपाल का है। सारे जी इसीलिए बोली कि हम इसी में जाएंगे क्योंकि नेपाली चीज मिलता है। ओ सारू, क्या क्या खाई है अभी? खाई हो कि खाए हो? हाँ, और नेपाली में पूछे थे क्या खाई है? हाँ, क्या क्या खाई है? गाइस आप लोगों को पता है हम मतलब यहाँ पे आए हुए कितना दिन हो गए हमको? डेढ़ साल आए हुए हो गए, और मैं चाइनीज यहाँ पे कुछ भी नहीं खाई थी क्योंकि मुझे यहाँ का पसंद नहीं था इंडिया का। और पहली बार सीतामढ़ी में खाए हैं तो नेपाली सुन के हमको थोड़ा अजीब लगा कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब बोले खाइए तो कैसा लगा? मोमोज खाए, चाउमीन मटन, नेपाली सेट मटन। देखो गाइस आप लोगों को पता है यहाँ पे बहुत टेस्टी मिलता है, बहुत टेस्टी, क्योंकि मुझे मतलब आप समझ सकते हो डेढ़ साल में मुझे यही पे अच्छा लगा, मैं खाई। आप लोग भी आके ट्राई कीजिए, साइड में हॉल भी है, गर्लफ्रेंड को घुमाइए, खाइए। देखिए हम लोग क्या खा रहे हैं, नेपाली खाना सेट, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, है ना, नॉर्मल है। नेपाल में बहुत महंगा मिलता है ना। ये ऑनर जी है हमारे नेपाल के, सरलाई जिला। तो यहाँ पे क्या क्या सुविधा है बता दीजिए भैया। मतलब दुकान का नाम भी काठमांडू मोमो हाउस है। हाँ वो तो दिखा दिए हम। खाने में क्या क्या मिल जाएगा फिर भी? खाने में आपको मतलब चाइनीज में खाना मिल जाएगा, नेपाली सेट खाना मिल जाएगा, मटन चिकन सब खाना सेट में मिल जाएगा। यहाँ पे दिखाओ ना, देखो मटन खाना सेट, चिकन खाना सेट, पनीर खाना सेट, फिश खाना सेट, चाउमीन में देखिए वेज चाउमीन, चिकन चाउमीन, मोमो, क्या बहुत कुछ है, इतना मजा आएगा भाई आके देखो। हम लोग आ गया खाना, मटन चावल इसका मोमो। सो गाइस देखो फाइनली खाना आ गया, हम मोमोज खा रहे हैं। आई सब मटन आप सब देख सकते हो बहुत टेस्टी है। पहले खाएंगे तो देखो तोरो बनेगा तो फिट रहेगा तो जिम मारना। अच्छा है, मस्त है। अभी लोग खा ले फिर रिव्यू देंगे। खाओ डाली, खाओ। इसमें यही प्रॉब्लम रहता है, कुछ खिंचाता नहीं है। हाँ हाँ सब की बात है, ऑडियो का काम करना है। झगड़ी के मासू इंतजार 45 मिनट से कर रहे हैं। तो गाइस अभी सब खा लेंगे, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। खाओ ना कटाकट, हमको उधर बैठने देता तो सब चुप करते हैं। हम दो से टूट करेगा तुम लोगों का लेकिन इसमें से बकरी वाला स्मेल नहीं आ रहा, दूसरा दुकान पे देख के घिन आता है। तो
तो इसका कार आया तभी आप मेरे तरफ से ये फाइनली लगता है सब खा लिए कुटुम आओ कुटुम और चाय तोरा गाइस ऐसे चाट पोस के खाए हैं ये तो छोड़ के खाया है ये खाया है अच्छा था यहाँ का रिव्यू तो अच्छा है खा लिए भर पेट गाइस आप लोग से जितने भी लोग आप एक बार आके यहाँ पे जरूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि यहाँ पे नेपाली आइटम है यहाँ पे मतलब बहुत ही अच्छा है बहुत ही टेस्टी है जो भी मिलेगा फ्रेश मतलब अभी कभी बना के 20 मिनट टाइम लीजिए हर कुछ मिल जाएगा मैंने मटन के लिए 25 मिनट वेट किया और एकदम मजेदार किया आप लोग देखे ही है और पेट भर और सस्तो भी है ज़्यादा महंगा नहीं है कितना बड़ा टॉयलेट है लाना साला गोड़ी में ले जाइए गाइस अभी आए हैं हम खाना पीना खा के डायरेक्ट फुआ के घर पे ठीक है तो फुआ के घर पे घर बन रहा है देखिए दिखाते हैं आप सबको घर बन रहा है पंकज डालेंगे कौन घर है वो दिखाते हैं फुआ पूछ रहे हैं पंकज बाबा के जूता के माला पहनावे छौ लगाओ ना लगी देखिए ये पंकज के गांव है ठीक है ये घर है पंकज डालेंगे रूम में सोता था ये अभी बन रहा है सब देखिए ये किचन है पंकज के ठीक पंकज डालिंग के ये रूम है आई के का रूम है आई में रहते रहुल बा अच्छा आई वो है किचन वाला हाँ हाँ आई तो सीढ़ी है आई रूम में वो रहता था सूरज गुरु ने मटन खा के अपने सारे एनर्जी को लॉस कर रहा है यहाँ पे हम भीग रहे हैं सूरज गुरु का नया घर बन रहा है गाइस आप लोग देखो आप लोग समझ सकते हो कहाँ से बन रहा है आप लोगों के प्यार दुलार से सूरज गुरु ने अभी बताते इसको आप लोगों के प्यार दुलार से सूरज गुरु ने बनाया नया घर जिसको अभी पानी दे रहा है पानी पानी पटना छोड़ने वाले हैं अब हम पटना छोड़ने वाले हैं ये अपना घर बना चुके हैं एक घर तो था ही दूसरा घर बन रहा है इनका ये यूट्यूब की कमाई है ये यूट्यूब का कमाई है सूरज गुरु का बेटा सूरज गुरु का घर गुरु का किचन पंकज जालिंग के हाँ पंकज जालिंग का पता ही नहीं है घर पे हम लोगों को लाके भाग गया लेके बोले तो मुझे गांधी में लेके चलना घुमाने बोला नहीं जाऊंगा वहाँ बहुत प्याऊ रहता है हाँ रात में वो तो बात कर रहा था तो हम रो रहे थे कभी के लिए गैस देखो पंकज डार्लिंग काम करवा रहे हैं लेबर लगा के तो सूरज गुरु दिन के 500 मिलता है इसलिए वो पानी पटा रहे हैं ठीक है आई का पटवा रहे हैं पानी पंकज डाली को देख सकते हैं आराम से हाँ ना
ना रे चलते हैं उधर वीडियो वीडियो बनाने मस्ती करेंगे फिर चल। हाँ इधर आओ ना तुम गोरा हो गए तो। उतार के ले जावा तब घर जिया स्टार भाई। मेरा फोन रखे होगा। हाँ 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 फोन जरा उठा के ना उठाए था। इसमें पानी दो ना। ये हो गया। पूरा भी भाग ना उधर से। बा हमारा छत नहीं नहीं मने बन जाता है देतना ही भाई हवा लगता है मस्त ना साला। उन्ने समझती हूँ क्या रखा है है क्या तू समझो ना। कमेंट में बतलाइएगा भाई लोग क्या है ये नहीं समझ रही है। सोलर है सोलर तो पावर सोलर ठीक से चलो सब करने में उनको बहुत मजा आता है। हम अपन घर बनाया था कोई नहीं हेल्प किया है इस सब में हमारा बहुत मजा मतलब मेहनत करे में इस सब चीज में बहुत पूरा घर के माटी से लेके और चीज भैया जी। तो मैं अपना घर बनाऊंगी नेपाल में तो तुम ही करवा देना सब कुछ। मामा को तो घर बनाना है 110 बोरी हम जब बोले लेकिन हम भाई मालिक हम ही रहो। हाँ नो प्रॉब्लम काहे क्योंकि पापा मालिक थे पैसा चढ़ा के लाते 30,000 कुर्सी पापा कितना है कहते 30 को पंच या बस ज्यादा रहते सब निकाल नहीं नहीं साल बाद घर बनाबे लेकिन चल हमरा घर किनेंगे जमीन क्यों किने तोरा नेपाल में घर मिले काहे बाबा जेना इमा मिली जे उहा मिले ऐसा फ्लैट नहीं फ्लैट के बारे में नहीं पता लेकिन घर खड़े घर हां दूसरे के घर यूज कर लगा बनाए यार कौन यूज कर घर बन रहा है ना जैसे ये बन रहा है ये बन रहा है ना पूरा फिनिशिंग करके उसको बेच देगा दाम लगा यूज वाला तो सस्ता मिलेगा तो अभी किन सकते हो कल कल दो ना ले कोई देख रहा था बोला खोल खोल। हाँ देख भाई हमारा घर सब यही है गांव पंकज जालिंग के गांव है। ले मुझे कहते ये तक होता है साला जामुन खरीदी थे और बोली नहीं खा लो लो अभी बंद कर दो पुआ लो धोवा गया तब गंदा था नहीं खाई थी को देखी ना हेल मोटर भी जल के जो ज्यादा तो दुइए को ज्यादा नहीं है ये काला वाला हमारा दे दे स्वागत का है उठाओ दे ना उठा ना उठा दे अच्छा उठा दो मैं बोलो ना तू लोग खा के रुक वीडियो दिखा देते रुकिए ये लोग बहुत ठूस के आया है बहुत ज्यादा खाना खाया है। देख मोमोज खा ली चाउमीन खा ली मटन खा ली खाना वहां मिल रहा था उसके बाद हम गए उसमें खाने तो रखे वो खाया है मटन खाया तो और पता नहीं हां उससे जगह में कौन खाले पट
पानी बढ़ा दिए क्योंकि ये सब मौका बार बार नहीं मिलता है। एक पंकज डालिंग है इसके, लेकिन घूम रहा था गाड़ी घोड़ा, सब टूट गया। अभी चलो हम लोग पंकज डालिंग के गांव आए हैं। पब्लिक के देखिए सब इसका दीवाना है। अब इसका दीवाना नहीं है, वो पुरन का याद कर रहे हैं। पुरन का वाला बात में बहुत सारे लोग हैं, मतलब पूरा एरिया पूरा एरिया जाम है। बहुत सारे लोग आए थे हम लोग खेत घूमने। चलो पंकज डालिंग उधर है। पंकज डालिंग चलो 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 ना बीच में चलो ना। माँ फुआ के खेत कहाँ है, वहाँ चलो। आगे चलो खेत है बच्चा सही। सब पंकज डालिंग के फैंस है। चलिए देखिए ये घर फुआ का बन रहा है घर। चले देख लिए बन रहा है। ये भाई लोग हमारे गांव के लड़का सब देखो वो उसको देखो पहले एक टोटल लेके आओ गुजर जी। करीबा का मारे जाए खैरियत देखिए पूरा गांव है उलट के चला आया है। पूरा गांव के बच्चे खाली हो गए हैं। उधर एरिया से लेके इधर ये सब तर भाग ये पंकज डालिंग के गांव। फोन लिए है, खाए हैं, पिए हैं, फुआ के गांव में घूमे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में आप सबसे, क्योंकि ब्लॉग हो जाएगा बहुत लंबा। आज हम लोग बहुत घूमे हैं। अब मेरा 20% मेरा दिमाग सही हो गया। अगर मैं रोज घूमूंगी तो और सही होगा। आज बात ही नेपाल के चौमिन मोमो खा लिए ना, तो इसलिए खुश है। चौमिन मोमो, चौमिन मोमो इंग नहीं। तो गाइस पंकज डालिंग बोल रहा है कि हमें समय बहुत दे दिया है ना पंकज, चल घर चलते बोले हैं। बोला था हमको घर जाना है, घर जाना है बोला है। देख रहे इसको देखने पूरा गांव बच्चा देख रहे अगाड़ी भीड़ लगा ले बच्चा। चलो
जो अभी तैयार नहीं हुआ है, अभी बन रहा है और ये बन जाएगा तो इसमें एक रूम मेरे को वादा किया गया है, मेरे को एक रूम मिलेगा। अब पूरा गांव के रोज नहीं छुट्टी करते हैं। I am going to घर घर